हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? मैं हूँ पापिया। पापिया चैनल में आप सबको फिर से स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को एक फौजी की कहानी सुनाने आई हूँ। आशा करता हूँ सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। फौजी का कहानी आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ कि एक फौजी लाइफ कैसे होता है। तो आज मैं एक बंगाली जो है सुभाष मंडल, उसका कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को। तो सुभाष मंडल बहुत ही एक छोटा सा गांव से है। तो नया नया सर्विस मिला है उसको, ज्वाइन किया है फौज में। तो बहुत ही छोटा सा गांव से जैसे आया है सुभाष, तो नया नौकरी मिला है, मम्मी पापा सबको, भाई भाभी बहन सबको छोड़ के वो आया रखा है गांव, मतलब फौज में। तो उसको काफ़ी टाइम हो गया है जैसे ज्वाइन किया हुआ है नौकरी को, तो छुट्टी नहीं मिला काफ़ी टाइम हो गया, 9 महीना हो गया, फिर भी वो मतलब घर नहीं जा पा रहे। तो घर से मतलब उस टाइम तो फ़ोन भी नहीं था, तो डेली मतलब मैं चिट्ठी पढ़ता था माँ का, उसका भाभी का, तो बस रोते थे। और आप सभी को पता है उस टाइम ना फ़ोन था ना कोई और सुविधा था, बस चिट्ठी एक सहारा था, घर से कब एक चिट्ठी आ जाए। तो सब लोग जैसे चिट्ठी पढ़ते थे उस टाइम, उसका भी चिट्ठी आया एक दिन, उसका भी मम्मी का जैसे रोना आया कि मेरा बेटा कब आ रहा है, ऐसे करके जैसे लिखते हैं बेटा कब आ रहा है छुट्टी, हम लोग बहुत याद करते हैं, सभी लोग आपको मतलब याद कर रहे हैं, गांव वाले भी याद करते हैं आपको। उसका भी आंखों से जैसे आंसू आ गया। तो ऐसे करते करते उसका 9 महीने हो गया ड्यूटी का ज्वाइन किया हुआ, तो 9 महीने के बाद उसको छुट्टी मिला है। सुभाष ने किया क्या, जिस दिन छुट्टी मतलब निकलना था उसको उधर से ड्यूटी से, तो सुबह उसने सबको मतलब बताया कि बहुत खुश था वो सुबह उठ के कि मैं छुट्टी जा रहा हूँ। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है ना, जैसे गांव वाले छुट्टी जाना है, फौजी लोग जो है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है जिस दिन उसको छुट्टी मिलता है। तो सबको बताया उसने, आज मेरे को छुट्टी मिला है तो मैं आज गांव जा रही हूँ। तो उसने सामान वगैरह पैक कर लिया है। उसने क्या किया था, जब से वो गाँव से गया था उस दिन के बाद, उसने धीरे धीरे करके ना थोड़ा करके सामान खरीद के रख दिया था कि मैं जब छुट्टी जाऊँगा तब लेके जाऊँगा। तो जैसे कैंटीन में साबुन हो गया, सर्फ हो गया, जो भी मतलब थोड़ा छोटा 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 सामान होता है, मम्मी के लिए कुछ हो, भाभी के लिए, भाभी के बच्चे के लिए कुछ ले लिया। तो एक साथ तो नहीं खरीद पाते हैं जैसे फौजी लोग, तो धीरे धीरे उसने इकट्ठा करके रख दिया था। और ऐसे छोटा छोटा करके जैसे इकट्ठा करते करते ना एक बोरी भर गया था उसका। तो जब छुट्टी मिला उसने बोरी उठा के चले गए घर। तो क्या है, जैसे गांव में जब जाते हैं उसका घर जाने के लिए ऐसा सीधा ट्रेन नहीं था, उसको 3-4 बार ट्रेन चेंज करना पड़ता है, बस में जाना है, फिर जैसे ई रिक्शा हो कोई किलोमीटर उसको चल के भी जाना है, इस तरह वो घर पहुंचा है। लेकिन जब बोरी वो मतलब उठा रहा था ना, तब उसको अपना मतलब भारी लगा ना कुछ भी, लेकिन काफ़ी भारी था वो बोरी, लेकिन उसने मतलब मुस्कुराते हुए घर चले गए। तो जिस दिन सुबह घर पर पहुँचा उस दिन उसका माँ का जैसे आँख से आंसू आ गया, बेटा को देखा बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ है। खुश होने के बाद सुभाष का भी जैसे आंखों से आंसू आ गया था, मम्मी को देख के, पापा को भी देख के। फिर दूसरा दिन गांव वाले से मिला, सबसे बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। तो ऐसे जैसे आंगन होता है इस तरह बैठे हैं, सबके साथ बात कर रहे हैं। तो सुभाष ने देखा माँ क्या कर रही है, उसकी माँ, गाँव वाले जो भी आ रहे सुभाष से मिलने, तो सबको एक एक साबुन और एक एक कटोरी चीनी बाँट रही है, क्योंकि सुभाष गांव जो जहाँ पे था उधर से चीनी लेके गया था। तो उसका माँ को जब ये देखा ना, उसने कुछ भी नहीं बोला मम्मी को कि मम्मी आपने साबुन और चीनी क्यों बांट रहे हो। तो जो भी घर पे आ रहे तो देख रही कि मम्मी जैसे साबुन और चीनी बांट रही है। तो सुभाष ने कुछ नहीं बोला, ऐसे देखता गया, और अंदर ही अंदर उसको बहुत खुशी भी हो रहा है क्योंकि उसका माँ खुश है, बोला मेरा बेटा लेके आया है, मेरा बेटे को ना फौज में मिलता है साबुन फ्री में मिलता है, चीनी फ्री में मिलता है। तो ऐसे करके मतलब गांव वालों को कहानी सुना रही है उसकी मम्मी, और सुभाष चुपचाप दूर से मतलब सुन रहा है बातें और मुस्कुरा रहा है हल्का हल्का। ऐसे करते करते तो सुभाष का जैसे कुछ दिनों के रह के छुट्टी ख़त्म हो गया है। सुभाष को 15 दिन का छुट्टी मिला था, तो देखते देखते 15 दिन कट गया है उसका, आराम से छुट्टी कट गया। फिर सुबह छुट्टी काट के दोबारा ज्वाइन कर लिया ड्यूटी। फिर कुछ मतलब एक साल बाद सुभाष का शादी हो गया। शादी होने के बाद उसने फैमिली लेके आए क्वार्टर में। तो जब फैमिली आया तो सुभाष को देखा वही मतलब जैसा सुभाष पहले था, थोड़ा थोड़ा करके सामान खरीदना,
तो फिर से देखा सुभाष का फैमिली ने कि उसका हस्बैंड थोड़ा थोड़ा करके सामान इकट्ठा कर रहा है और एक बोरी में डालता जा रहा है, मतलब एक बोरी रखा है उसमें पता है कि अपने घर के लिए वो बोरी रखा है, कि वो जो जो भी सामान मतलब खरीद के ला रहे वो थोड़ा थोड़ा करके उस बोरी में डालता गया। मतलब उसका फैमिली ने कुछ भी नहीं बोला, बोला देखता रहा कि कर क्या रहा है मेरा हस्बैंड। ऐसे करके फिर से वो बोरी वैसे भरने लगा। तो सुभाष का शादी का जैसे एक साल होने को आया, तब फिर से वो दोनों छुट्टी के आ रहे गाँव। तो जब गाँव में आया तो वही बात देखा, उस सुभाष की माँ बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। फिर गांव वाला आए मिलने, कैसा है घर के, तो सुभाष का मम्मी ने वही मतलब चीनी और साबुन मतलब बांटने लगी है। तो सुभाष ने तो हल्का हल्का मुस्कुरा रहा है, उसका तो आदत हो गया जैसे माँ को खुश देख के। तो उसका फैमिली जो है वो देख रही है कि मम्मी कर क्या रही है। तो उसने जैसे हस्बैंड को बोला कि आप जैसे जो सामान इतना कष्ट करके उठा के लाए हो बोरी उठा के कंधों में, तो आप बांट रही है जैसे मम्मी, तो आप थोड़ा सा तो बोल सकते हो कि मम्मी ये फ्री का नहीं है, हम मोल का लेके आए हैं और इतना दूर से इतना कष्ट करके हम लेके आए हैं उठा के आपके लिए। तो उसने बोला जो मम्मी खुश है ना, इसीलिए मैं कुछ भी नहीं बोल रही, तुम भी कुछ मत बोलो। फिर उसका जो फैमिली है वो भी कुछ नहीं बोला, बोला ठीक है। तो ऐसे करके छुट्टी भी उनका फिर से छुट्टी ख़त्म हो गया। फिर वो लोग दोबारा वापस आ गए। इसके बाद उसके बच्चे हो गए। बच्चे होने के बाद सुभाष ने किया कि उसका जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गया। तो जिम्मेदारी जैसे बढ़ता है धीरे धीरे, उसमें क्या होता है जो घर के तरफ थोड़ा बहुत जैसे जो जिम्मेदारी है कम होने लग जाता है। तो सुभाष को ये एहसास होने लगा कि जैसे जो बड़ी वो भरता था ना, वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगा, क्योंकि बच्चे का खर्चा, फैमिली का और ऊपर से माँ बाप का जिम्मेदारी इतना नहीं हो पा रहा था उससे, क्योंकि उस टाइम उसका पे भी कम था। तो उसने क्या किया, थोड़ा सामान लेना कम कर दिया। ऐसे करके उसने जितना उससे हो पाता है वो थोड़ा सा सामान रखता है, लेकिन ये नहीं कि पूरा जितना पहले लेके आ रहा था उतना उसका बड़ी में नहीं डाल पा रहा है। तो बच्चे जैसे एक साल का हो गया है, फिर वो लोग छुट्टी आए गाँव से। तो उसका मम्मी ने देखा कि मेरा बेटा तो इतना सा सामान लेकर आए, तो मम्मी का आँखों में ना बेटा जब छुट्टी आ रखा है वो खुशी तो है कि बेटा आया, मतलब बहू आया है, पोते आया घर पे, इस खुशी का तो बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन जो सामान बेटा लेके आता था वो माँ जो गांव में बांटती थी ना, वो उसको मतलब वो वाला खुशी मतलब उसका आँखों में नहीं देखा। और ये वाला नोटिस सुभाष ने किया था उसके माँ का आँखों में। तो उस टाइम तो उसका मम्मी ने कुछ भी नहीं बोला। दो चार दिन जैसे गया, उसके बाद उसका मम्मी ने बोला, अच्छा आप जब बच्चे हो गए, बीबी हो गए, तो हमें भूल गए, सामान लाना ही बंद कर दिया, इतना क्या खर्चा हो गया। तो लेकिन मम्मी ने ये नहीं पूछा, बेटा तेरे को तनख्वाह कितना मिलता है, तेरा अच्छे से चलता तो है ना। ये है सुभाष की कहानी। अगर सुभाष का कहानी आप लोगों को अच्छा लगा, मतलब ये सुभाष की कहानी नहीं है, मेरे को लगता है फौजी लोगों का जितने भी है ना, कुछ फैमिली का घर का भी कहानी है। तो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और मैं वीडियो को आगे बढ़ाती नहीं हूँ, यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना। और फ्रेंड जो भी मेरे चैनल पर नए हो, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मेरे वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।